टाए भी जाएगा, भंग भी होना चाहिए। पहलवानों ने खुलेआम डिक्लेयर दे दिया कि जब तक भंग नहीं होगा ये फेडरेशन ये नहीं जाएंगे। तुम लड़ लो ना भाई, आप क्रिकेट खिलवा लीजिए अमित शाह के बेटे से, आप पहलवानी उनसे करा लीजिए ना, उन्हीं को बोलिए ले आए गोल्ड मेडल के लिए, ये लोग खेती कर लेंगे, क्या दिक्कत नहीं। अब ये मंच बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उठा के उनका समाधान करके उठे। मैंने तो रूबिका लियाकत जी से भी बात की थी, वो भागे, मेरे कैमरामैन का कैमरा छीनने लगे, श्वेता जी से तो आए दिन हम लोग बोलते हम जाते तो लोग निकल लेते हैं। ये बहुत बड़ा कुछ गलत हो रहा है, लगातार हो रहा है, और इन्होंने पहले भी शिकायतें की तो क्यों उनको नजरअंदाज किया गया। बोलते हैं कि भाई मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध होंगे तो फांसी का अगर कानून में प्रावधान होगा तो फांसी भी मिलेगी, इसमें आपको बोलने की क्या जरूरत है। दंगल का पीछे का दंगल आज आपको जंतर मंतर में दिखेगा, और अभी कम से कम 23 संगठन और आ रहे हैं जिनके इसी तरह के इश्यूज हैं। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम मैं पहुंचा हुआ हूं जंतर मंतर पर। आप देखेंगे यहां पर जंतर मंतर पर भारी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इसमें देख सकते हैं कि खेल संगठन पर जिस तरीके से आरोप लगते रहे, कुश्ती खेल जो फेडरेशन है उसके खिलाफ, यहाँ पर 30 पहलवान के आसपास लोग यहाँ पर जमा हैं और वो लगातार कल से धरना दे रहे हैं। इस मुद्दे पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कि जिस तरीके से भाजपा के सांसद या नेता इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, क्या कहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के जो नारा था उसको लेकर के अब कितनी गंभीर हो रही है सरकार। जय हिंद जय भारत, मैं रेबल सदानंद पति। सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा कि उस वीर बहन को नमन है और तमाम उन लोगों को नमन है जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही ओपनली आके बोला है। इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि लोग घबराते हैं। अभी आपने देखा था हरियाणा में भी कई दिन से चल रहा था, लास्ट में जाके इस्तीफा हुआ। तो आज देश के सारे पहलवान इकट्ठा हुए हैं और ये शुरुआत अभी तो बहुत सारे फेल फेडरेशन के लोग आएंगे, अदर गेम्स के लोग आएंगे, खो खो के भी आएंगे, कबड्डी के भी आएंगे। पहली बात तो जिन मंत्रियों का स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट बनने का मतलब क्या है, वो सांसद है तो अपनी जगह का जिम्मेदारी निभाए ना। 8-8 साल से अध्यक्ष बने रहेंगे और वो ट्रायल कराते हैं लखनऊ में, पहलवान कहाँ से आपको ही पता। आप इसकी डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के जो नामी गिरामी पहलवान हैं, सबसे ज़्यादा संख्या जो पहलवानों की हरियाणा से निकलते हैं, राइट। अब दंगल देखते हैं, दंगल का पीछे का दंगल आज आपको जंतर मंतर में दिखेगा, और अभी कम से कम 23 संगठन और आ रहे हैं जिनके इसी तरह के इश्यूज़ हैं, और इन इश्यूज़ को उठाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, क्योंकि अन्य सैटेलाइट चैनल से तो आप उम्मीद कीजिए मत, वो तो एक और पर्सपेक्टिव दिखा देंगे। अभी थोड़ी देर में उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह का नया एस्पेक्ट भी दिख जाएगा। लेकिन वो ये खबरें आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब इस्तीफा देने वाले हैं, क्या कहेंगे इसको? भाई ये तो होना ही है ना, केवल इस्तीफा क्यों होगा, गलत है तो जेल भी जाएंगे। देखिए जो फोगाट जी ने जो आरोप लगाया, जो आरोप दिया गया ना, वो तो सत्यापित भी हो गया आज, नहीं तो कल इंक्वायरी तो होगी ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े फेडरेशन के ऊपर एक उंगली है कि भाई आप क्यों, हरियाणा में भी या था कितने दिन से मिल जाता है, खास तौर से बीजेपी शासित प्रदेशों में ये इश्यूज आपको नंबर वन में मिलेगा जी। क्या मामला है, आपको कैसे इस मामले को देखते हैं? देखिए मैं केवल एक चीज आपको बोलूंगा कि जिन लोगों ने हमें स्वर्ण पदक दिए, जिन्होंने ये आरोप लगाया ना, वो पहली लेडी है, हमारी पहली महिला पहलवान है जो कि एशियन और कॉमन दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, भारत की शान और प्रतिष्ठा की बात है। इतने सारी बहनें और भाई और जो छोटे अनुज हमारे हैं जो यहाँ बैठे हैं इस ठंड में, उसके बावजूद अगर अनुराग जी को समय नहीं मिल रहा है तो प्रश्न तो खेल मंत्रालय पे है ना। अगर आप छोटी सी भी एक छोटा आरोप नहीं है, ये इतने सारे पहलवानों का इकट्ठा होना एक संकेत है कि बहुत कुछ गलत है, बहुत बड़ा कुछ गलत हो रहा है, लगातार हो रहा है, और इन्होंने पहले भी शिकायतें की तो क्यों उनको नज़रअंदाज किया गया। अगर आप एक सजग मंत्रालय को रेफर करते हैं, अगर आप एक सजग प्रेसिडेंट है भारतीय कुश्ती संघ के, तो इतने दिन से आप इस बात को उठा क्यों नहीं रहते। आज आप बोलते हैं कि भाई मैं फांसी चढ़ जाऊँगा, अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध होंगे तो फांसी का अगर कानून में प्रावधान होगा तो फांसी भी मिलेगी, इसमें आपको बोलने की क्या जरूरत है। तो कानून अपनी प्रक्रिया खुद करेगी ना, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है जी। बबीता फोगाट भी आई थी मध्यस्थता के लिए। देखिए ये मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उनकी मध्यस्थता मैंने देखी नहीं है, मैं यहाँ जिनको देखता हूँ और जो देख रहा हूँ उसके ऊपर सीधी बात बोलूंगा। बाकी इन चीज़ों में मध्यस्थता क्या होती है, अगर आप किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो उसमें मध्यस्थता की जरूरत होती है। क्या मतलब संविधान में ऐसा कोई हिच है क्या, हमारे पास कोई ऐसा मेथड है कि इस तरह की हरकतों में आप मीडियम बैठा देंगे कि आप आके कॉम्प्रोमाइज़ कर लें? किस बात का कॉम्प्रोमाइज, किस बात का कॉम्प्रोमाइज़? वो हटेंगे, हटाया भी जाएगा, भंग भी होना चाहिए। पहलवानों ने खुलेआम डिक्लेयर दे दिया कि जब तक भंग नहीं होगा ये फेडरेशन ये नहीं जाएंगे। तुम लड़ लो ना भाई, आप क्रिकेट खिलवा लीजिए अमित शाह के बेटे से, आप पहलवानी उनसे करा लीजिए ना, उन्हीं को बोलिए ले आए गोल्ड मेडल के लिए, ये लोग खेती कर लेंगे, क्या दिक्कत है। वैसे भी किसान के बेटे हैं ये, क्या दिक्कत है। तो सारी लंबाई भी नहीं, ज्यादातर नेताओं के ऊपर आरोप लगता रहा। आप देखें शाहनवाज हुसैन के ऊपर जो आरोप लगा है, या तमाम लोग ऐसे जो इन्वॉल्व। पत्रकार महोदय देखिए एक छोटी सी बात आपके माध्यम से पुनः मैं जागृत करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी खेल विभाग हैं उनमें मंत्रियों का क्या काम, ये मंत्री किस लिए बनते हैं, एमएलए एमपी क्यों बनते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए ना, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। उनका क्षेत्र है क्या,
भाई इसके लिए तो पर्टिकुलर सेल होना चाहिए, जो अध्यक्ष बनाओ उसको बनाओ ना, जो पहलवानी करके आता हो, जिससे मालूम इसके इफन बर्ड्स प्रो और कॉन्स क्या है, क्या कठिनाई है फिजिकली मेंटली डाइट वाइज न्यूट्रिशन वाइज, उनको किस चीज़ का नॉलेज है। वो तो आपने पहले भी देखा था अयोध्या में भी किस प्रकरण में क्या बोलते हैं पहलवान, इस तरह के भाषा भी नहीं बोलते हैं, अत्यंत शालीन और विनम्र होते हैं हमारे पहलवान। ये पहलवानों का इतिहास रहा, भारत की एक अपना इतिहास है, हमारे अपने सिद्धांत भी है पहलवानी के। अब अगर आप उन सिद्धांतों को तोड़ना चाहोगे तो नतीजा आपको भुगतना होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का भी एक अपना इतिहास रहा, हत्या डकैती तमाम मुकदमे भी दर्ज है इसके खिलाफ पहलवान के। आपको बीच में रोक के एक बात बोल देते हैं, 80% ऑफ द पीपल हु आर सिलेक्टेड इन बीजेपी, 80% ऑफ देम, आउट ऑफ दैट 80, 55% ऑफ देम हैव सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, इंक्लूडिंग रेप, इंक्लूडिंग मर्डर। कुलदीप सेंगर भी इन्हीं के थे, कितने गिनती लेंगे आप, कितने गिनते, अनगिनत है। और ये मैं नहीं बोलता, ये नेशनल काउंसिल ऑफ क्राइम डिटरेशन बोलता है, आप उस रिपोर्ट को देख लीजिए गूगल में, 55% तो डायरेक्टली सीवियर क्रिमिनल केसेस में, उसके बाद ये सांसद और विधायक बनाता है। आप उम्मीद क्या करोगे, ये फेडरेशन में क्या करेंगे, अपने परिवार में अच्छा नहीं कर सकते। जब पहलवान को थप्पड़ मारा था कुछ दिनों पहले ब्रजभूषण शरण सिंह, तब क्यों नहीं लोग उठे? देखिए मैं एक बात आपको बोलूंगा, हर चीज का आगाज का एक वक्त होता है, जब तक कोई चीज बहुत बड़े पैमाने पर ना हो जाए ना तब तक लोग आते नहीं। लोगों में जो भय है ना, ये इतने 3 साल 4 साल से जो मीडिया का भय है, आप बोल लेंगे, आपने कभी सवाल उठाया कि कश्मीर में प्रेस क्लब क्यों नहीं खुला है 5 साल से? हम उठाते हैं, जेल भी जाते हैं, मुकदमा भी दर्ज करते हैं। तो जो इन दौर से गुजरता है ना, वो अपनी आवाज और बुलंद करेगा, लामबंद भी करेगा। आज इनके सारे अन्य स्पोर्ट्स के सारे खिलाड़ी अब अपने आवाज लामबंद करने इनके साथ आ रही है, नहीं उठने वाला। अब ये मंच उठेगा नहीं, अब ये मंच बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उठा के उनका समाधान करके उठेगा। क्या सारी मीडिया ऐसे ही है, गोदी मीडिया जिसको आप लोग कहते हैं? देखिए मैं किसी को गोदी मीडिया नहीं बोलता। मैंने तो रूबिका लियाकत जी से भी बात की थी, वो भाग गए, मेरे कैमरामैन का कैमरा छीनने लगे। श्वेता जी से तो आए दिन हम लोग बोलते, हम जाते तो लोग निकल लेते हैं। ये वो लोग हैं जो रामदेव के मुंह में माइक नहीं ठूस पाते, जो गलत काम करते, जो दूसरों के मकानों पर कब्जा करते हैं, जो डॉक्टर्स को धमकाते, जो आप जैसे मेरे जैसे पत्रकारों को बोलते हैं कि हमारी पूछ पाड़ लेगा, तब ये कहाँ रहते हैं? तो इनकी तो गिनती मत कीजिए, फेसबुक यूट्यूब बहुत इनकी खास। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।